मैं सरवाइव करने वाला हूँ 100 डेज इस सुनसान आइलैंड पे, तो चारों तरफ से ड्राउन ज़ॉम्बी पानी और भूखमरी से घिरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज के नाम पर सिर्फ 2-3 झाड़ है। तो क्या मैं यहाँ पर सरवाइव कर पाऊंगा? तो इसका आंसर है पता नहीं, पर वीडियो के एंड होते होते आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ मेरे मन में 3 टारगेट है, सबसे पहले पेट पोसा, फिर काम दूसरा एक तगड़ा सा आर्मर बनाना, एंड फाइनल कुछ रिसोर्सेज लाइक फार्म एंड एक बिग बॉस जैसा पारिवारिक घर बनाना। सुबह 9 बजे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको 2 पेड़ देखने को मिलते हैं, ओक एंड एक स्प्रूस है। स्प्रूस का बहुत काम आएगा डेकोरेशन के लिए। जल्दी जल्दी हमें सबसे ज्यादा वुड कलर करना है ताकि हम फर्नेस का भी यूज कर सके, बिल्ड भी बना सके, घर वगैरह सब बनाना स्टार्ट कर सके। तो सबसे पहले यहाँ पर हम प्लैंक्स बनाते हैं बहुत सारे, इनसे क्राफ्टिंग टेबल बनाते हैं, थोड़े बहुत बेसिक टूल बनाते हैं, एंड नीचे यहाँ पर बहुत सारा कचरा वचरा भी है तो इसे तोड़ते हैं ताकि हमें सीड भी मिल जाए और जल्दी जल्दी खेती करें ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा व्हीट कलेक्ट हो, ब्रेड बना सके। भाई खाने का तब जुगाड़ करना है, पहले पेट पूजा कहा था ना। वो देखो भाई ड्राउन ज़ॉम्बी है, मन तो कर रहा है मारो बट मेरे पास आर्मर नहीं है, तो थोड़ा सा रिस्क है, जा जी ले अपनी जिंदगी। यहाँ पर फटाम सैपलिंग कलर करते हैं, बहुत सारे पेड़ लगा दें, झाड़ी झाड़ लगा देंगे। इंडिया पर हमारा आइलैंड है तो बहुत बड़ा है, बट ये एकदम कचरा सा हो रखा है, मतलब कूड़ादान सा बन रखा है कहीं पर ऊपर नीचे। तो ये काम करते सबसे पहले इसे पानी के लेवल का करते हैं, एकदम फ्लैट करते हैं, एंड देन यहाँ पर बिल्ड बनाएंगे ताकि एस्थेटिक लगे। फटे मुंह तेरा, यहाँ पर एस्थेटिक के चक्कर में भाई पूरा घिस दिया पहले दिन यहाँ पर। पहला दिन यहाँ पर सिर्फ इसको घिसने घिसने में चला गया। तो परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन को देखते हुए माइनक्राफ्ट के पहली रात को या तो जमीन में घुसते हैं या आसमान में टावर लटका कर हवा के अंदर लटकते हैं, क्योंकि पहली रात ना आपके पास ना मेरे पास बेड होता है ना, ऐसा ही करते हो ना। तो यहाँ पर दूसरा दिन आ चुका है और अभी तक मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो फटाफट यहाँ पर मैंने हो बनाए तो यहाँ पर हो लगाते हैं, एंड बहुत सारी यहाँ पर मेरे पास मतलब 6-7 सीट थी उन्हें लगाते हैं ताकि खाना तो आए, और पानी की तो कमी नहीं है, हमारे पास पानी है पानी भाऊ। फूड के लिए इतना सा रिसोर्सेज काफी कम है, तो इसीलिए सबसे पहले काम करते हैं यहाँ पर जितने भी यहाँ पर सेंड है ना उसको यहाँ पर हटाते हैं, एंड यहाँ पर डर्ट फिल करते हैं ताकि यहाँ पर एनिमल्स स्पॉन हो। तो यहाँ पर मेरे पास जितनी डर्ट थी वो मैंने सारे फिल कर दिए, डर्ट फिल करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी सीप एंड काउ स्पॉन होने लगी है, और अभी हमारे पास आयरन है नहीं तो सॉरी सीप भाव। तो यहाँ पर 3 हमें वूल कलेक्ट हो चुके हैं, अभी भी यहाँ पर 2 सीप है जो इनके बच्चे कराएंगे बाद में, अभी इनको जिंदा रहने देते हैं। तो यहाँ पर फटाफट से एक बेड बनाते हैं ताकि मॉब से तो खतरा ना रहे ना। तो रिस्पॉन पॉइंट डन। अभी यहाँ पर सबसे पहले फटाफट यहाँ पर हमें वुड कलेक्ट करने है ताकि हम थोड़ा आगे बढ़ सके, घर बनाए यहाँ, थोड़ा रिसोर्सेज बनाना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले एक बेसिक सा घर बनाते हैं जो कि मैं यहाँ पर बीच भी बनाऊंगा, वैसे लकड़ी का बना रहा हूँ, लकड़ी में सील ना पड़ जाए। क्या बातें कर रहा हूँ यार, माइनक्राफ्ट है, माइनक्राफ्ट में लॉजिक नाम की कोई चीज नहीं होती। मेरे दादाजी कहा करते थे किसी का घर कैसा भी हो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी की खिल्ली उड़ाओ बट किसी के घर पे खिल्ली नहीं उड़ाना चाहिए। एक ना मतलब ये ध्यान, अरे मेरे मतलब मन के अंदर आया तो मैंने बता दिया, टंटणान ये रहा हमारा पहला हाउस। और फिर मैंने यहाँ पर एक संदूक बना ले जहाँ पर मैंने अपना कीमती सामान रखा, और इस घर के अंदर मैंने सनरूफ भी बनाई। तो बस यहाँ पर न्यू घर की खुशी के अंदर सनसेट के मजे लेते हुए यहाँ पर मैंने नींद ले ली, हमारा दूसरा दिन भी ऐसे गुजर गया। और फिर तीसरे दिन मैं सीधा निकल गया अपने वुड के टूल्स को स्टोन डायमंड एंड आयरन के टूल्स में अपग्रेड करने के लिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कोल नहीं था इसीलिए यहाँ पर माइनिंग करना थोड़ा बहुत हार्ड होगा, और एक ऊपर से यहाँ पर सैंड भी कुछ ज्यादा ही है। बट जैसे तैसे करके मेरे को यहाँ पर स्टोन मिला, एंड फिर मैंने इसे ग्राइंड करना स्टार्ट कर दिया, और फाइनली कुछ टाइम पर बाद में यहाँ पर हमारे पास टॉर्च आ चुकी थी, कोल भी आ चुका था, और हमें पहला हमारा आयरन भी मिल चुका था, जिसे देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो चुका था। जैसे मैं इस आयरन को तोड़ता हूँ मैं देखता हूँ इसके पीछे तो पूरी मेरे को एक केव मिल चुकी थी, पर असली प्रॉब्लम तो अब आने वाले थे, इन काली गहरी गुफाओं के अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बी एंड क्रीपर थे जिन्होंने मेरी वाट लगा दी। तो फटाफट से मैंने मारने की कोशिश तो करता हूँ बट यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली क्रीपर फट जाता है जो कि ज़ॉम्बी को अपने साथ लेकर ही फट जाता है। सिस्टम है भाई, सिस्टम पार देंगे। फाइनली मैं इस केव के अंदर यहाँ पर टॉर्च लगाकर अंदर घुस जाता हूँ, जहाँ सबसे पहले मेरे को भर भर के कोल मिलता है, और केव थी इसीलिए मेरे को यहाँ पर आयरन भी इजीली मिल गया, एंड आयरन को ग्राइंड करते करते मैं यहाँ पर नजर आती है कि यहाँ पर आगे लावा है, एंड यहाँ पर मेरी कुशिया 7 आसमान पर पहुंच चुकी थी। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ी बहुत स्टोन कलेक्ट करते हैं ताकि हम यहाँ पर इसी लावा को पार कर सके। लेट्स गो, यहाँ पर चलते हैं लावा के अंदर। क्या यहाँ पर डायमंड? ओ भाई
मेरी किस्मत लिटरली फटाफट से यहाँ पर फर्नेस कहाँ पर यार इसकी फर्नेस की आग यहाँ पर फटाफट से फर्नेस बनाते हैं भाई। आयरन आयरन मेरे पास है, आयरन को स्मेल्ट करते हैं, आयरन के पिक्स बनाते हैं। लिटरली मेरे को सामने भाई डायमंड, जब तक यहाँ पर आयरन स्मेल्ट हो रहा है यहाँ पर मैंने लावा के ऊपर कुछ पत्थर रख दिया था कि हमें दूसरी साइड पर जा सकूं। वैसे मैंने पूरे लावा को बंद नहीं किया, लावा की बहुत जरूरत पड़ेगी हमें नेदर जाने के लिए। और फाइनली यहाँ पर हमारा आयरन स्मेल्ट हो चुके थे जिनसे मैंने एक मस्त करके पिकेक्स बनाई आयरन की, लगे आज यहाँ पे बकेट भी बना ली लावा कलेक्ट करने के लिए। और इसी के साथ मेरे को यहाँ पर पहला डायमंड मिल चुका था मेरे 100 डे चैलेंज के अंदर। पर मैं माइनिंग में इतना ज्यादा मग्न हो जाता हूँ कि कब तीसरे से नौवा दिन आ जाता है, इन काली गहरी गुफाओं में हबलू हबलुओं के साथ गुजरता है मेरे को पता ही नहीं चलता। इसी के साथ हमारा सेकंड टारगेट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका था, जो कि था एक तकड़ा सा आर्मर जो कि आधा दूरा कंप्लीट हो चुका था, जिसे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो लेट्स गो, यहाँ पर ये हमारा आधा डायमंड का आर्मर, डायमंड के सोर्ड, और इसके साथ हमारे पास 7 डायमंड एक्स्ट्रा पड़े हैं, क्योंकि आगे जाकर अगर हमें रूइन पोर्टल मिलता है तो डायमंड की पिकेक्स बनानी पड़ सकती है। एंड क्योंकि मैंने इतनी जल्दी मेरे सारे टारगेट कंप्लीट कर लिए थे तो मैंने सोचा यहाँ पर अभी भी मेरे पास 40 डेज है, इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर एक तकड़ा सा मैं कैसल बनाने वाला हूँ, ना कि एक छोटू सा घर। बट आगे जाकर मेरे साथ क्या होगा वो मैंने खुद नहीं सोचा था। एंड फिर से मैं लग जाता हूँ लड़की को कलेक्ट करने, मतलब लकड़ी को कलेक्ट करने के लिए। और बीच में यहाँ पर बारिश आने की वजह से मैं घर के अंदर आ जाता हूँ, दुबक के छुप जाता हूँ। बट मेरे को याद आता है कि मेरे पास तो डायमंड का आर्मर है, मैं क्यों डर रहा हूँ, तो मैं निकल जाता हूँ इनको मारने के लिए। और मैं बारिश को रुकने का वेट करता हूँ, तभी मेरे को यहाँ पर गेट के बाहर ब्राउन ज़ॉम्बी दिखता है, जिसकी मैं सेवा करने के लिए उसे मारता हूँ, क्योंकि उसके हाथ में मेरे को सेल दिखता है जो कि मेरे को मिल जाता है, क्योंकि ब्राउन ज़ॉम्बी कई बार सेल से ट्रेड करके मैं ट्राइडेंट दे देते हैं। और अगली सुबह मैं फिर से जब लकड़ी कलेक्ट करने जा रहा था, मैंने देखा यहाँ पर एक लामा लटक रहा है पानी के अंदर, जिसका मालिक उसको छोड़ के चला गया था। पर पीछे से यहाँ पर हबलू हबलू करते मेरे को आवाज आ गई, मेरे को पता चल गया यहाँ पर ये आ गया बेताल, जिसको मैंने लेटा लेटा कर मारा। फिर मैंने सोचा इस लामा क्यों ना बचाया जाए, इसका मालिक तो बाहर रहम निकला, लेकिन मैं ऐसा नहीं हो सकता। और यहाँ पर बचाने के मैंने इसे गलती से एक हिट दे दिया था और ये मेरे को स्नाइपर से धड़ाधड़ मेरे को बजाने लगी। मैंने तो सोचा था कि इन दोनों लामाओं की जोड़ी को मिलाते हैं, बट बाद में मेरे को रियलाइज हुआ ऐसी जोड़ी से तो जोड़ों का दर्द अच्छा होता है। और इसी के साथ मेरा ये दिन भी यहाँ पर वुड कलेक्ट करने में निकल जाता है। और अगले सुबह जैसे मैं उठता हूँ, मेरे को यहाँ पर पानी के अंदर ट्राइडेंट वाला ड्राउन जो भी दिखता है, जिससे कि मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ सेल से ट्राइडेंट ट्रेड करने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली मेरी कोशिश नाकामयाब रही। यहाँ पर अच्छी खासी वुड कलेक्ट करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना हमारे आइलैंड को बड़ा कर दिया जाए, ताकि यहाँ पर मैं कुछ रिसोर्सेज बना सकूं, कुछ फार्म बना सकूं, इसलिए यहाँ पर मैं सैंड को तोड़ने लग गया। एंड सैंड को तोड़ते तोड़ते यहाँ पर मेरे को एक और ट्राइडेंट वाला ड्राउन जो भी निकला, जहाँ पर मैंने उसको सेल दिया, उसने भी सेल लेने से मना कर दिया, और उसे गुस्से में आकर मैंने एक हिट मारा। और उसी गुस्से के चक्कर में ये मेरे को हटाहट मारने लगा ट्राइडेंट से, बट इसको पता नहीं था कि पिताजी से पंगे नहीं लेते, एंड इसीलिए उसको उसकी पापा की सजा मिल गई। और मेरा वो दिन भी ऐसे ही अपने एरिया को फ्लैट करने, आइलैंड को बड़ा करने में निकल जाता है। और फाइनली मैंने अपने आइलैंड को बहुत बड़ा कर लिया था, जहां पर अभी मैं कुछ रिसोर्सेज बना सकता हूं। पर यहां पर एक प्रॉब्लम थी, मैंने यहां पर 11 दिन कंप्लीट कर लिया, बट अभी तक मेरे पास यहां पर खाने के लिए कुछ ज्यादा रिसोर्सेज थे नहीं। बस यहां पर पेड़ों से जो एप्पल मिलते हैं वो खाना खा के काम चलाता, या यहां पर थोड़ी बहुत वीट उगती उनसे काम चलाता, क्योंकि यहां पर ज्यादा एनिमल्स स्पॉन हो नहीं रहते। इसीलिए मैं यहां पर समुद्री डाकू का रूप लेता हूं, निकल जाता हूं समुद्र के अंदर मछलियों का शिकार करने। मछलियों का शिकार करते करते मेरे पास यहाँ पर एक डॉल्फिन घूमने लगी, एंड मेरे को सूत्रों से खबर मिली थी अगर इसे हम फीड कराते हैं तो ये हमें किसी खजाने के पास ले जाती है। बट मेरे को ये पता नहीं था कि इसे किस चीज से फीड कराते हैं, बट फॉर्चुनेटली मेरे को यहाँ पर बिना डॉल्फिन के यहाँ पर खजाना मिल जाता है। मेरे को दिख जाता है फाइनली यहाँ पर अपना रुइंड पोर्टल, मतलब अपना नहीं माइनक्राफ्ट का, जहाँ पर मेरे को थोड़ी बहुत अच्छी खासी लूट मिल जाती है, गोल्ड गोल्ड की पिकेक्स मिल जाती है। और मछली का शिकार करते करते मेरे को यहाँ पर आगे शिप ब्रेक में मिल जाती है, जिसको देखकर मेरी खुशियां सातवें आसमान पर हो जाती है, जहाँ पर सबसे पहले चेस्ट को ओपन करता हूँ मैं, जहाँ पर मेरे को काफी अच्छा खजाना मिलता है, एमराल्ड लैपिस लाजुली आयरन वगैरह। और थोड़ी सी अपनी श्वास की नली को फिर से मैंने डुबकी लगाई, और यहाँ पर मेरे को सामने एक रूम दिखता है, जिसका मैंने गेट खोल दे फटाफट से बंद करने का सोचा, बट क्योंकि यहाँ पर पानी भर जाता, लेकिन ऑलरेडी पानी भर का था इसलिए मैंने नहीं करा। एंड यहाँ पर मेरे को मिल जाता है एक सीक्रेट मैप, जिसे हम नेक्स्ट वाले एपिसोड के अंदर खोजेंगे। और यहाँ पर अपने शरीर को पानी में गलाते गलाते यहाँ पर 16वां दिन भी निकल जाता है, और मैं निकल जाता हूँ फिर से अपने आइलैंड पे, वो भी बहुत सारे खाने के साथ।
और अभी मेरे पास यहाँ पर सब कुछ था, यानी सब कुछ मेरे पास आर्मर था, मेरे पास फूड था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अपने आइलैंड को और ज्यादा बढ़ा जाए, यहाँ पर चारों दिशाओं के अंदर एक एक आइलैंड बनाए जाए। जहाँ पर मैंने सोचा पहले वाले के अंदर हम पेड़ लगाएंगे, दूसरे वाले हम एनिमल्स को रखेंगे एनिमल बान, तीसरे में हम बनाएंगे अपना एक्सफार्म और तीसरे में अपना एक ड्रीम हाउस जो कि एक बहुत बड़ा कैसल होने वाला है। तो बस मैं निकल जाता हूँ यहाँ पर अपने चारों आइलैंड बनाने के लिए अपने वुड से, और यहाँ पर बीच में मेरे परेशान करने के लिए यहाँ पर एक सिप आ जाती है जिसे मैं अपनी सोर्ड दिखाकर यहाँ से भगा देता हूँ, क्योंकि वो समझदार थी, क्योंकि इसकी बलि निकलने वाली थी अभी तो। और फिर मैं लग जाता हूँ अपने चारों आइलैंड को क्रिएट करने, वो भी वुड से। पर मैंने यहाँ पर आइलैंड बनाने के चक्कर में मैंने लिए एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर ली, क्योंकि इन आइलैंड को यहाँ पर एस्थेटिक बनाने में मैंने कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर दिया, और इन आइलैंड को बनाते बनाते कब 16 से 25वां दिन मेरा कंप्लीट हो गया मेरे को पता ही नहीं चला। एंड यहाँ पर हमारे चारों आइलैंड तो बनकर यहाँ पर रेडी हो चुके थे, बहुत एस्थेटिक लग रहे थे। और फिर मैं हाथ में लेता हूँ वीट अपनी सारी गायों सिप को उनके बलि के स्थान पर ले जाने के लिए, मेरा मतलब उनके बार्न में, उनके हाउस में, ड्रीम हाउस में ले जाने के लिए। तो काऊ और सिप को तो मैंने मस्त करके यहाँ पर इनके बार्न के अंदर डाल दिया था, बट मेरे पास कैरेट नहीं थी इसीलिए मैंने सिप को अनफॉर्चुनेटली बाहर ही रहने दिया, बट अगर मेरे पास कैरेट होती तो खाने का जुगाड़ तो मस्त करके हो जाता। और इतने दिनों के बाद भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मॉब स्पॉन हो रहे थे, जिसके मेरे को बाद में असली रीजन पता चला, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक भी टॉर्च नहीं लगा रखी, तो फटाफट से यहाँ पर टॉर्च लगाता हूँ। फिर मैं जाता हूँ अपने ट्री वाले एरिया के अंदर, जहाँ पर मैं हर 3 ब्लॉक छोड़कर 1 ब्लॉक को तोड़ता हूँ, ताकि वहां पर मैं ग्रास का ब्लॉक लगा सकूँ, डर्ट का ब्लॉक लगा सकूं। यहाँ पर मेरे पास इतने डर्ट नहीं थे कि मैं पूरा आइलैंड यहाँ पर डर्ट का बना सकूं, इसलिए मैंने यहाँ पर पूरा वुड का बनाया, बट यहाँ पर ट्रीज उगाने थे सिर्फ वहां पर मैंने डर्ट लगाई। एंड वहां पर बहुत सारे पेड़ लगाने के बाद मेरे ऐसे 2 दिन निकल जाते हैं पेड़ को लगाने, एनिमल्स को सेटअप करने और उनके लिए वीट वगैरह इकट्ठा करने के लिए। पर मेरी ये खुशी ज्यादा दिन कहाँ टिकने वाली थी, यहाँ पर मैंने एक अक्सीफार्म बनाया मस्त करके, कब मेरा 28 से 33 दिन हो गया मेरे को पता नहीं चला, और मेरे को यह भी नहीं पता चला कि मैंने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट नहीं करी। तो यहाँ पर मैंने पूरा एक्सीफार्म बनाया, बट उसका ट्यूटोरियल मैं गलती से रिकॉर्ड करना ही भूल गया। तो ये रहा हमारे यहाँ पर एक एक्सीफार्म बहुत बड़ा, जो कि मैंने पूरा बनाया, जिसके स्टोन के ग्राइंड के लिए मेरा पूरा पिछवाड़ा घिस गया था, बट रिकॉर्डिंग ही नहीं बनी तो क्या फायदा यार। बट ये अच्छे से काम कर रहा था, जहाँ पर गन पाउडर मिल रहा था जो कि हमें काले कौवे को फोड़ने में काम आएगा। और एक दिन और फिर मैंने अपने मछलियों का दान किया अपने पेट पूजा के लिए, और नेक्स्ट डे मैं निकल जाता हूँ माइनिंग पे, स्टोन की माइनिंग पे, ताकि हमें एक कैसल बना सके, बट मेरे को अपना कैसल का सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन मैं स्टोन के माइनिंग पे जा रहा था क्योंकि मैं गधा था, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर लावा भी था, वाटर भी था, मैं यहाँ पर ऊपर स्टोन फार्म बना सकता था, लेकिन नहीं, मैं तो गधा था ना। तो बस इसी गधापंथी के चक्कर में जो काम 1 दिन में हो सकता था उसे मैंने 2 दिन में कंप्लीट किया, लड़कियों को काट कर, नहीं मतलब लकड़ियों को काट कर, ये आई थिंक मैंने जानबूझकर बोला, और स्टोन को ग्राइंड करने में। इसी के साथ हमारा 3500 दिन भी कंप्लीट होने का चला था, जहां पर मैं रात को अपने आइलैंड के नजारे लेने के लिए निकल गया, जहां पर मस्त करके पूरा चमक रहा था, जहां पर मैं नेक्स्ट डे अपना कैसल बनाना था, बट ये मेरे को पॉसिबल नहीं लगा, क्योंकि अभी सिर्फ 15 दिन बचे थे, जहां पर मेरे को अपने वर्ल्ड को, पूरे आइलैंड को एस्थेटिक भी बनाना था और अपना कैसल बनाना था, जो कि मेरे को इम्पॉसिबल लगा, इसलिए मैंने एक छोटा सा हाउस बनाने का डिसीजन लिया। तो फटाफट यहाँ पर मैं लग जाता हूँ अपने हाउस बनाने के लिए, जहाँ पर ये चौथा मेरा आइलैंड था जिसे मैंने अभी वुड से कंप्लीट नहीं किया था, क्योंकि मेरे को ये सैंड से बनाना था, बट यहाँ पर स्टोन ग्राइंड करते करते मेरे को यहाँ पर बहुत सारी इनफ यहाँ पर सैंड मिल चुकी थी, ताकि मैं अपना हाउस का जो आइलैंड है वो सैंड से बना सकूँ। तो जिसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने डर्ट से, मैं अभी तक सैंड बोल रहा था आई नो, जो कि मेरी गलती है क्योंकि मैं गधा हूँ ना, और इसीलिए मैंने यहाँ पर एक डर्ट से पूरा 20x20 का पूरा एक आइलैंड रेडी किया। तो यहाँ पर घर बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले 6 ब्लॉक छोड़े और 7वें पे मैंने शवल मारी, यहाँ से अपना घर का गेट होने वाला, तो यहाँ से स्टार्ट होगा अपना घर, जो कि एकदम छोटा सा होने वाला। पहले तो यहाँ पर बहुत बड़ा कैसल होने वाला था, क्योंकि मैंने यहाँ पर ग्राइंड में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले हमें एक वुड रखनी है, यहाँ पर एक, फिर यहाँ पर हमें 2 वुड रखनी है, जहाँ पर जिसको हमने बाद में स्ट्रिप करना है, फिर यहाँ पर एक, फिर यहाँ पर इस साइड पर 3, तो इसी टाइप का चारों तरफ एक सर्कल बनाना है। सेम ऐसे दूसरी साइड पर यहाँ पर एक पहले वुड, फिर 2, एंड यहाँ पर मैं गधापंदी कर दी, क्योंकि यहाँ पर पहले मेरे को 2 रखना था, बाद में 1 रखना था, जो कि मेरे को बाद में रियलाइज हुआ और घर का पूरा स्ट्रक्चर डगमगा गया। और यहाँ पर मैंने अभी तक अपनी वाटर बकेट नहीं बनाई थी, इसीलिए मेरे को बहुत फटके खाने पड़े। तो यहाँ पर हमारा घर का पूरा ढांचा तैयार हो चुका था, तो अभी आपसे मिलता हूँ मैं पूरा अपना छोटा सा हाउस बना के, ड्रीम हाउस बना के।
दिखाएंगे बॉब द बिल्डर। और अपना हाउस बनाने के बाद यहाँ पर 3 दिन बच रहे थे एंड वहाँ पर मैं वो काम करने के लिए निकल गया जो कि मेरे को खटक रहे थे अपने दिमाग के अंदर। जहाँ पर सबसे पहले मेरे को यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मिला जहाँ पर मेरे को कैरेट मिल चुकी थी अपने सुअरों को फीड करने के लिए एंड यहाँ पर मेरे को सस्पिशियस ग्रेवल भी मिला बट यहाँ पर मेरे पास ब्रश नहीं थी जहाँ पर ये मैं निकाल सकूँ। फाइनली यहाँ पर समुद्र का असली डाकू यहाँ पर हमारे लामा को भटकाते हुए बेचारे को इनका मालिक मिल गया जिसको मैंने इतना मारा कि इसकी 36 पुश्तें भी इसको याद रखेगी। एंड फाइनली मैंने यहाँ पर सेल से ट्रेड करके यहाँ पर ट्राइडेंट ले लिया ड्राउंड ज़ॉम्बी से बट अनफॉर्चुनेटली मैं उस पार्ट को रिकॉर्ड नहीं कर सका। एंड मैंने यहाँ पर एक वाटर बकेट भी बना ली जिससे कि मैं मस्त करके अमल जी मार सकता था कहीं से भी छलांगे मार सकता था कोई भी डर नहीं था। तो इसी के साथ हमारा 50वें दिन में हमारा पूरा आइलैंड रेडी हो चुका। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर ट्री वाला एरिया जहाँ पर एक साइड पर हमारे बहुत बड़े स्प्रूस वाले हैं एंड दूसरे साइड पर हमारे ओक वाले एंड यहाँ पर बाहर मैंने लिख दिया था पेड़ ही पेड़ मतलब जैसे सेल के अंदर लिखता है कपड़े ही कपड़े वैसे यहाँ पर पेड़ ही पेड़। एंड सेकंड आइलैंड पर यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे सीप एंड काउ भी हो चुके थे यहाँ पर मस्त करके एनिमल हमारा बांध बन चुका था। यहाँ पर मेरे पास थोड़ी बहुत कैरेट भी थी जिनको अभी मैंने उगाने के लिए छोड़ रखा है एंड जैसे उगेगी मैं यहाँ पर बहुत सारे सुअरों को भी तादाद कर दूंगा। एंड यहाँ पर मैंने अपने माइनिंग एरिया को काफी एस्थेटिक बना दिया जो कि काफी सही लग रहा है अभी। एंड एक साइड पर यहाँ पर मैंने मस्त करके एक सेकंड ये अच्छा नहीं लग रहा एस्थेटिक नहीं लग रहा यहाँ पर थोड़ी सी बोन मील मारते हैं एक यहाँ पर भी हाँ यहाँ पर हमारे खाने वाने का जुगाड़ है। एंड दूसरा हमारे यहाँ पर एक्सी फार्म वाला एरिया जहाँ पर हमारा मतलब एक्सी फार्म है और जब नेक्स्ट एपिसोड में अपने आर्मर को इंचेंट करेगा तो ये एक्सी फार्म काफी यूज में होगा। अभी हम चलते हैं हमारे चौथे वाले आइलैंड पे जहाँ पर हमारा हाउस उसको हम फाइनली रिवील करने वाला। तो ये है रहा हमारा हाउस जो कि मेरा ड्रीम हाउस मतलब हम कैसल बनाने वाले थे बट यहाँ पर अभी मेरे को अनफॉर्चुनेटली छोटा सा हाउस बनाने लगा जो काफी मतलब अच्छा है जो बुरा नहीं है भाई। तो यहाँ पर साइड के अंदर थोड़ा बहुत घास वास उगा कर एकदम बगीचा टाइप को बना दिया। यहाँ पर देखो वो देखो एक और लामा वहां पर डुबक रहा है इसीलिए मैंने को मारा भाई सही मारा उस बंदे को मैंने। तो यहाँ पर हम घर प्रेस करते हैं मतलब घर तो है बट घर वाली नहीं है तो बिना घर वाली के तो यहाँ पर सबसे पहले एंटर करते हैं। यहाँ पर हमारा एक मस्त करके बेड है यहाँ पर चेस्ट है यहाँ पर इस चेस्ट में नॉर्मल सवाल है सामान है इसमें हमारा महंगा कीमती सामान। और अभी चलते हैं हमारे सेकंड फ्लोर पर एक सीन यहाँ पर डोर लगा पहले से बंद करते हैं हाँ पीछे वापस आते हैं। तो अभी चलते हैं हम हमारे सेकंड फ्लोर पर इस डोर को खोलते हुए यहाँ ऊपर आते हैं जहाँ सबसे पहले यहाँ पर मस्त करके बैठ सकते हैं नज़ारा ले सकते हैं। यहाँ पर देखो बैठने की सीट भी है दोस्तों के साथ गप्पे मारो यहाँ पर आग भी जल्दी है कैंप फायर है एंड यहाँ पर चेस्ट भी रखी हुई है जहाँ पर थोड़ा बहुत सामान अगर नीचे ज़्यादा हो जाता तो यहाँ पर वही उससे मत जगह मेरे बता रहा हूँ मैं तुझे। तो यहाँ पर पीछे से भी नज़ारा लेते थे दूर दूर कुछ होता तो मजा ओए तेरे को बोला मेरे टुस्से मत जगह। तो गाइस ये था हमारा पहले दिन से लेकर 50 डेज तक यहाँ पर हमने आधा सर्वाइवल सीरीज यहाँ पर पूरा कर लिया इस आइलैंड पे। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम करने वाला खतरनाक इंचेंटमेंट नेदरराइट का आर्मर बनाने वाले हैं नेदर जाएंगे एंड सिटी जाएंगे एंड अगर आप चाहते हो एंड ड्रैगन को मैं अभिजीत के साथ मारूं तो कमेंट में जरूर बताना। एंड इस एपिसोड में एम कर दें 50 लाइक तो फटाफट से कंप्लीट कर देना सिर्फ 50 लाइक का सिर्फ एक बटन ही तो दबाना यार। तो आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए कीप गेमिंग।